हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं पास्ता जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और उसको बनाना भी आसान है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर अब ये एक चम्मच ऑयल ले लेंगे और ये हम पानी में डाल देंगे। पानी हमने 3 से 4 गिलास पानी लेंगे पास्ता को बॉईल करने के लिए। और इसी के साथ ये नमक भी डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल दिया है हमने। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, पानी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, इसमें बॉईल होने लगा है पानी। अब हम ये पास्ता डाल देंगे, तो चला देंगे अब चम्मच से एक। और यहाँ पर हमने 2 कप पास्ता लिया है और हमने स्प्रिंग वाला पास्ता लिया है। आप चाहें तो मैक्रोनी पास्ता या जो भी पास्ता आता है आप वो ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो बस इसको हम बॉईल होने देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर पास्ता बॉईल हो गया है और अब हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, हमें पास्ता को बस इतना ही बॉईल करना है, इसको पूरा कुक नहीं करना है पास्ता हमें। अब बस गैस को हमने बंद कर दिया है और इसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे। तो ये देखिए, हमने पास्ता को ठंडे पानी से धो लिया है और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और गैस ऑन कर दी है हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। देखिए ऑयल गरम हो गया है और ये 2 लहसुन की कली ले ली है हमने, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है बारीक। तो देखिए 2 लहसुन की कली को हमने इस तरीके से बारीक काट कर इसको तेल में डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये 2 प्याज लिए हैं, इसको हमने इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसको भी हम ऑयल में डाल देंगे। इसको चला देंगे अच्छे तरीके से प्याज को, इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है हमें। हरी शिमला मिर्च, इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी है आप वो इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी है, गाजर है, जो भी आप डालना चाहें। तो इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे बस। और ये 1/2 चम्मच नमक लिया है हमने, ये भी इसमें डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। अच्छा, 1/4 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पर हम ये पास्ता मसाले का पैकेट ले लिया है हमने 2, ये भी इसमें डाल देंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, देखिए चलाते हुए। और अब इसमें हम ये पास्ता डाल देंगे जो हमने बॉईल किया था, इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से चलाते हुए। ये देखिए हमने पास्ता को मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम ये 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और इसी चम्मच से हमने ये 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पास्ता में। तो देखिए हमने पास्ता में अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया चलाते हुए। इस तरीके से पास्ता बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अब इसमें हम ये 1/4 चम्मच ऑरिगेनो डाल दिया है हमने, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है इसमें। और लास्ट में हमने ये एक टमाटर है, इसको हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था लंबे साइज में, और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे पास्ता में। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए हमने इसको मिक्स कर दिया है। बस गैस को अब हम बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पास्ता बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पास्ता को प्लेट में निकाल लिया है और देखिए ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरीके से आप पास्ता बनाइए और खाइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।